नमस्कार, खान पान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे। इसके लिए सामग्री, हमने 500 ग्राम मैदा लिया है, उसका 1/4 हमने सूजी डाला है, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चीनी, कसूरी मेथी, 3 से 4 टीस्पून हमारा रिफाइंड ऑयल है, हम थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, सोडा वाटर, थोड़ा थोड़ा सोडा वाटर हम यूज़ करेंगे, एक साथ इकट्ठा नहीं मिलाएंगे, सभी सामग्रियों को मिलाकर अच्छे से हम इस आटे को गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही सोडा वाटर यूज़ करना है। इसका हमें रोटी के जैसा ही आटा गूंथना है। पहले हम इसका आटे को अच्छे से गूंथ देंगे। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और मिलाया है, यानी कुल हमारा 4 टीस्पून लगा है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। हमने ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाया इसके लिए। अब हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रखते हैं। हमारा कुल इतना ही थोड़ा सा ही शेष रह गया सोडा वाटर। अब 1 घंटे के बाद हम इसको सूखे मैदे की सहायता से आटे को ठीक करेंगे। थोड़ा सा ही हम 1 टीस्पून के लगभग इसमें सूखा मैदा मिला देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे हाथों में ये चिपके नहीं। अब हम इसकी छोटी छोटी या जिस भी आकार में आप इसकी पूड़ियाँ बनाना चाहें, भटूरे बनाना चाहें, उसी शेप में आप बना सकते हैं। गर्मा गर्म तेल में हमने इसको भटूरों को डाल दिया है। अब फूले फूले हुए भटूरे हमारे तैयार हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम और भटूरों को भी बना लेंगे। आंच को हमें मध्यम रखना है। शुरू में तो हमें तेज आंच रखनी है, लेकिन उसके बाद हमें इस आंच को मध्यम कर देना है। इसको बनाने में हमें कोई विशेष परेशानी नहीं है और न ही किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता होती। घर में ही जो उपलब्ध सामग्री है, हम उसी की सहायता से ही इसको इजीली बना लेते हैं। अब हमारी भटूरे तैयार हैं। आप भी अपने घर पर स्वादिष्ट भटूरे बनाएं और अपने अनुभव हम लोगों के साथ साझा करें। धन्यवाद।